What if I tell you that you are wrong about cinematic black bar? हम सभी को पता है कि सिनेमैटिक ब्लैक बार होता क्या है। वीडियो को और भी सिनेमैटिक बनाने के लिए वीडियो के ऊपर और वीडियो के नीचे हम ब्लैक बार को ऐड करते हैं ताकि वीडियो और भी सिनेमैटिक लगे। बट दिस इज द रॉन्ग वे। कैसे बताता हूँ। जो भी बिग बजट मूवीज हम देखते हैं थिएटर में, तो स्क्रीन के ऊपर और नीचे कुछ ब्लैक पार्ट होता है जिसको कि हम कहते हैं सिनेमैटिक ब्लैक बार। तो क्या वो भी हमारी तरह सिनेमैटिक ब्लैक बार को ऐड करते हैं अपने वीडियोस में? नहीं, उनका जो वीडियो होता है वो उसी फॉर्मेट में शूट किया जाता है। कुछ लेंस है जिसको कि वो यूज करके वीडियो को उसी फॉर्मेट में शूट करते हैं। बट हम लेंसेस के बारे में बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले एडिटिंग के बारे में। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं काइन मास्टर में। तो अभी हम आ गए काइन मास्टर में। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं क्रिएट न्यू, इसके बाद 16:9 रेशियो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जाते हैं क्रिएट। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो सिंपली हम जाते हैं मीडिया में और अपना जो वीडियो है उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अभी हमारा जो वीडियो है वो इंपोर्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं सिनेमैटिक फ्रेम। तो सिंपली क्या करते हैं, सिंपली जाते हैं लेयर में, स्टिकर में, और किने मास्टर स्टोर से हम सिनेमैटिक फ्रेम को डाउनलोड करते हैं और सिंपली इसको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो अभी हमारा जो वीडियो है उसमें सिनेमैटिक फ्रेम ऐड हो गया है। या फिर हम जाते हैं इंटरनेट पे, वहाँ पर सर्च करते हैं सिनेमैटिक ब्लैक बार PNG, वहाँ से एक PNG को डाउनलोड करते हैं और अपना जो वीडियो है उस पर ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह से हम अपने वीडियोस में सिनेमैटिक बार को ऐड करते हैं। बट जब उसी वीडियो को हम YouTube में अपलोड करते हैं और कोई उस वीडियो को देखता है, जैसे वो सेटिंग में जाके क्वालिटी को डिक्रीज करता है तो हमारा जो वीडियो का क्वालिटी वो डिक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, और साथ में जो ब्लैक बार हमने ऐड किया था उसका क्वालिटी भी डिक्रीज होके ब्लर हो जाता है। क्योंकि ये सिनेमैटिक ब्लैक बार हमने ऐड किया था, दैट इज ए पार्ट ऑफ आवर वीडियो। तो ये पता कैसे चलता है? तो जो हमारा वीडियो है और जो हमने ब्लैक बार ऐड किया था उन दोनों के बीच का जो एज है उसको अगर हम अच्छे से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ब्लैक बार है वो भी ब्लर हो गया है। बट देयर इज ए वे कि हमें वीडियोस में सिनेमैटिक ब्लैक बार को ऐड करना नहीं पड़ेगा और YouTube में अपलोड करने के बाद ऑटोमेटिक सिनेमैटिक ब्लैक बार ऐड हो जाएगा और वीडियो के क्वालिटी को डिक्रीज करने के बाद हमारा जो सिनेमैटिक बार है उसका क्वालिटी डिक्रीज नहीं होगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सिंपली जाते हैं काइन मास्टर में। तो अभी हम आ गए काइन मास्टर में। तो सिंपली जाना क्रिएट न्यू। तो यहाँ पर जो एस्पेक्ट रेशियो है उसको 16:9 चूज मत करना। जो लास्ट ऑप्शन है 2.35:1 उसको सिंपली सिलेक्ट करना और यहाँ पर जाना क्रिएट। इसके बाद सिंपली क्या करना, यहाँ पर जाना मीडिया में और अपना जो वीडियो है उसको इंपोर्ट कर लेना। तो अभी हमारा जो वीडियो है वो इंपोर्ट हो गया है। तो सिंपली क्या करना, जो वीडियो उसको सिलेक्ट करना, यहाँ पर जाना पेन एंड जूम और इसे कुछ इस तरह से जूम कर देना। इतना होने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना एंड पोजीशन। अब यहाँ से बैक आना। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही वाइड दिखाई दे रहा है, जिसमें कि हमें सिनेमैटिक ब्लैक बार ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसको सिंपली यहाँ से हम एक्सपोर्ट करके YouTube में अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ऑटोमेटिक ब्लैक बार ऐड हो जाएगा और जिसका क्वालिटी को डिक्रीज करने के बाद भी जो ब्लैक बार होगा उसका क्वालिटी डिक्रीज नहीं होगा। तो ये था एक छोटा सा टिप्स अबाउट सिनेमैटिक ब्लैक बार जो कि मुझे पता था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर ट्राई करना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एटलीस्ट वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए भी लगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, और अगर आप नए चैनल में वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।